हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे साइटिका के ऊपर। साइटिका को आम भाषा में हम सियाटिका भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, ये क्या होती है, कैसे होती है और इसके कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको लेने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगी बीमारी में, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सियाटिका जो होता है, जो कि साइटिका नॉर्मल आम भाषा में कहते हैं, वो जो बीमारी होती है वो एक नर्व होती है, जो उसके दब जाने की वजह से, वो नर्व के दब जाने की वजह से क्या होता है कि पेन और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन, यानी वहां पे फूल जाना, सूजन आ जाना और उसके साथ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता कहाँ से है? तो थाइस, जो हमारे थाइस होती है, थाइस के पीछे से ग्लूटियल एरिया होता है, वहां से स्टार्ट होता है, नीचे तक जाता है एंकल ज्वाइंट तक, और नीचे जो घुटनों तक जाएगा तो कभी कभी ऊपर से नीचे तक काफी जोरदार, काफी तेज दर्द होगा। तो ये दर्द जो होता है वो साइटिका की दर्द बोली जाती है। अब इसमें आम तौर पे हम देखते हैं जो मेडिसिन होती है, जो दूसरी मेडिसिन होती है एलोपैथिक मेडिसिन, वो क्या होता है कि नॉर्मल पेन किलर जैसा वो होता है, तो वो आपके दर्द को आराम करेगी। अगर हम बात कर ले होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होम्योपैथी में अलग अलग सिम्टम के बेसिस पे अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। नॉर्मली होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन सेलेक्ट की जाएगी, कोई भी एक मेडिसिन नहीं होता इस बीमारी के लिए। तो हम आम भाषा में अगर समझने की बात करें, तो समझिए आपको सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है, कब कब हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जो भी साइटिका का दर्द है उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन की बात करें तो आपका दाहिना पैर में या फिर बायां पैर में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वो या फिर अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ पेन, कभी लेफ्ट साइड में पेन बढ़ जा रहा है, कभी राइट साइड में बढ़ जा रहा है, तो ये भी उसमें देखी जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस देखा जाता है, यानी पेन जो है वो उसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वेदर इट इज लोकलाइजिंग और नॉट, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंसेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंडीशन में। सेंसेशन की बात करें तो बर्निंग जैसा सेंसेशन, यानी आपको दर्द के साथ साथ लगता है कि पाँव में जलन स्टार्ट हो जाए, काफी ज्यादा जलने जैसा सिम्टम होने लगता है। टिंगलिंग का सिम्टम, नंबनेस, यानी पैर का सुन्न पड़ जाना, कुछ भी चीज़ फील ना होना, तो ये जो सिम्टम होती है ये होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है अगर पेशेंट ऐसा बताता है। आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप इसको अपने डॉक्टर से मेंशन करिए कि हमें ऐसा ऐसा सिम्टम होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। ये होम्योपैथी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट से लाइन बाय लाइन ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बात कर ले मोडालिटीज की, यानी कब आपका दर्द बढ़ रहा है, कब आपका दर्द कम हो रहा है, यानी जब भी कुछ भी काम आप कर रहे हैं, समझिए आप टर्न हो रहे हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आपका दर्द बढ़ जा रहा है, तो ये मोडालिटीज में आएगी, यानी आपका दर्द क्या करने से बढ़ जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्या करने से आपका दर्द कम हो रहा है, यानी मसाज करने से, वहाँ पे हीट यानी गर्म चीज़ों का सेवन करने से, गर्म चीज़ का वहाँ पे लगाने से, एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है दवाई देने से पहले। उसके बाद दोस्तों मोडालिटीज़ की बात कर लिया, अब एज फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यंग एज में हम देखते हैं कि एक साइटिक अगर प्रॉब्लम है नर्व में, या फिर साइटिका पेशेंट को है, या फिर ओल्ड एज में है, या फिर एडल्ट में है, तो एज भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर करती है साइटिका में। उसके बाद टच से आपका कैसा हो रहा है, टच करने से आपका बढ़ जा रहा है सेंसेशन, या फिर जो भी आपकी मोडालिटीज है वो इंक्रीज कर जा रही है, तो वो भी मायने रखती है दोस्तों। साथ में एक और चीज़ देखा जाता है कि पेशेंट जब मुड़ता है लेफ्ट या फिर राइट साइड, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब पेशेंट के टर्निंग में अगर पेशेंट का दिक्कत बढ़ जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है नक्स वोमिका उस कंडीशन में। उसके बाद एसोसिएटेड कंप्लेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। समझिए एसोसिएटेड का कहने का मतलब है कि अगर आपको साइटिका है, साइटिका के साथ आपका कोई भी एसोसिएटेड यानी दूसरी कंप्लेन, समझिए स्किन पे आपके कार्बंकल्स आ गए, बॉयल्स आ गए, फोड़े फुंसी आ गई, और साथ साथ में आपका चीफ कंप्लेन जो है साइटिका का वो भी है, तो उस कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, सीपिया का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और पोस्ट इंजरी के बाद, समझिए आपको कभी चोट लग गया, किसी भी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो रही है जिसमें आप पहले से चोटिल है, घायल हैं, उस कंडीशन में अगर उसके बाद आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वहाँ पे हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, वहाँ पे आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अब नॉर्मल साइटिका की बात कर रहे हैं, तो एक और एसोसिएटेड कंप्लेन होता है कफ। कई बार पेशेंट को साइटिका के साथ साथ कफ, खांसी की सिम्टम आती है, उस कंडीशन में ड्रोसेरा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, वो फॉलो करती है साइटिका के नर्व्स को, साइटिका के पेन को, तो मोस्टली लेफ्ट साइडेड साइटिका हो तो उस कंडीशन में इसको हम देते हैं।
तो मोटा मोटी तौर पे आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि साइटिका जो बीमारी है उसकी एलोपैथी में एक मेडिसिन होती है जो कि आपके पेन किलर जैसा काम करता है, लेकिन होम्योपैथी में आपके अलग अलग चीजों को आप कैसे उसको बता रहे हैं, कैसे आप उसको समझा रहे हैं, आपको कब हो रही है बीमारी, कब आराम मिल रही है, ये सारे कंडीशन में दवाइयाँ चेंज होती हैं, तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा वैसा, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मिनिमम मेडिसिन दिया जाता है। नॉर्मल तौर पे जो साइटिका की होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, लेफ्ट साइडेड अगर साइटिका की बात करें यानी बायां पैर में आपको तकलीफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोलोसिंथ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, कोलोसिंथ का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। राइट साइडेड साइटिका की बात करें, अगर दाहिना पैर में आपकी साइटिक नर्व प्रेस हो गई है, दब गई है और उसके कारण वह आपको दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया काफी अच्छी मेडिसिन हो जाती है, उस कंडीशन में आपका रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है, और सबसे अच्छी मैकफॉस मेडिसिन। तो आमतौर पर ये सारी मेडिसिन यूज होती है, लेकिन अगर मेडिसिन सिमिलिमम रहे, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग मैच करे, तो आपकी कंडीशन बहुत ही जल्दी बेटर हो सकती है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें साइटिका के बारे में समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। साथ में चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।